ये जीवन भी जो चलता है पूरा, जीवन की सारी घटनाएं याद नहीं रहती, संस्कार याद रह जाते हैं, इम्प्रिंट्स रह जाती है प्रायोगिक। कई बार ऐसा होता है ना कि थियरी बहुत बहुत चर्चा करो, उससे प्रयोग कहो तो तुरंत बात बैठ जाती है। प्रयोग करके देखना आप। रोज शाम को ऐसे करते ही होंगे आप, रात को सोते समय एक 2-3 मिनट ऐसे निकालो कि आंख बंद करके आज के पूरे दिन में क्या हुआ वो याद कर लो। अब पूरा दिन आप समझो सुबह 5 बजे उठे थे तो वहां से रात के 9-10 बजे सोने जा रहे हो, 17-18 घंटे में बहुत सारी घटनाएं हुई होगी, लेकिन वो जब आप स्मरण करोगे तो सभी घटनाएं याद नहीं आएगी, मुख्य मुख्य 15-20 घटनाएं याद आएगी। चाय अच्छी बनी थी, अब ये नहीं कि उठ के सीधे चाय पीने बैठ गए आप, लेकिन बाकी की चीजें गई, चाय अच्छी बनी थी या तो नहीं बनी थी, भोजन में ये था, फोन इससे हुआ वो बात अच्छी लगी, ट्रैफिक में फंसे थे या नहीं फंसे, ऐसे कुछ 15-20 बातें याद रही। ठीक, 18 घंटे का आपका दिन, उसमें से 15 बातें याद रही। नंबर 2, संडे इवनिंग, संडे नाइट को जब आप सोते हो तो अभ्यास करो कि पूरे हफ्ते में क्या हुआ, पूरे सप्ताह में क्या हुआ उसको याद करो। अब मैथमेटिक्स की दृष्टि से देखोगे तो रोज शाम को याद करते थे 15 घंटे घटना याद रहती थी, तो इसका अर्थ रविवार रात को ये जब स्मरण करो तो 15 × 7 = 105, बराबर है गिनती, 105 घटना याद आनी चाहिए, आती है। रविवार शाम को सोते समय यदि पूरे सप्ताह की घटनाएं, इवेंट्स ऑफ द एंटायर वीक याद करोगे तो गिन चुन के 12-15 ही याद आएंगे। सोमवार को कुछ ऐसा हुआ था, मंगलवार को ऐसा हुआ था, गई बाकी की सब 1 महीना। हर महीने की अंतिम तारीख को याद करना है कि पूरे महीने में क्या हुआ, तो रोज के हिसाब से गिनो तो 450 घटना ही याद आनी चाहिए, आएगी नहीं वो 10-12 ही याद आएगी पूरे महीने की। वर्ष भर का हिसाब करो तो वर्ष भर की भी 12-15 घटना याद आएगी। दिवाली की रात को सोते समय सोचना है कि पूरे वर्ष में क्या हुआ, तो 365 × 15 करो, वो 4000 घटना याद नहीं आएगी आपको, 10-12 घटना ही याद आएगी। प्रिय स्वजनों, यही होता है जीवन के अंत में भी, व्यक्ति जो स्मरण करता है तो जीवन की एक एक घटना याद नहीं आती, कुछ महत्वपूर्ण 12-15 घटनाएं हैं, उसी में ये जो लोग हैं उनका चित्त घूमते रहता है। आप देखना, यदि किसी वृद्ध व्यक्ति की आपने सेवा की होगी और उनकी बातों को सुना होगा तो घूम फिर के वो 10-12-15 घटनाओं के आसपास ही उनके विचार चलते हैं। 80 वर्ष का जीवन बीता, लेकिन वो 12-15 घटनाएं ऐसी है जहां पर उनका मन अटका हुआ है। यम यम व्यावापि स्मरण भावम, अब इस थियरी को आप समझें, इसका अर्थ ये जो 12-15 बातें हैं वो 12-15 में मैं बहुत अधिक कह रहा हूं, 4-5 से अधिक नहीं होती अधिकतर, तो यदि सोचो तो वो जो बातें हैं पैतृक, वो जमीन पड़ी है अभी तक 30 साल के बाद भी उस प्रॉपर्टी का फैसला नहीं आया, बेटी का ब्याह कराना था या तो बेटे का ब्याह कराना था, कितना प्रयास किया योग्य पात्र नहीं मिला, तो ये हम थे तब तक तो किया, अब मेरे बेटे का क्या होगा उसका ध्यान कौन रखेगा, तो मेरी बेटी का क्या होगा उसका ध्यान कौन रखेगा, 5-7 बातें। प्रिय स्वजन, इसी को कहते हैं संस्कार।